हाँ जी, सत श्री अकाल सारयानू, वेलकम टू माई चैनल। अज आप गल करांगे, सब तो पहला मैं तुहानू एक चीज़ कहना चाहनी है, ये वीडियो देखने तो पहला जे तुसी एक बार जरूर मैं मैमरी दे रिलेटिव थ्योरी, मतलब ज़्यादा थ्योरी नहीं कह सकते भी आप मैमरी जिवें बुक दे विच लिखा होंगे कि डीपली बहुत ज़्यादा, दैट मीनस इन्ना लाइन बाय लाइन नहीं समझाया होया उहदे विच डायरैक्ट, मतलब इन शॉर्ट तरीके नाल तुहानू मैमरी दे बारे दस्सिया होया। सब तो पहला तुसी ओह फ्यू मिनटां दी वीडियो है, तुसी ओह एक बार जरूर देख लो, उस तो बाद ये वीडियो देखोगे तो तुहानू ऑटोमैटिकली जिहड़े क्वेश्चनां दे आंसर है वह मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस चैनल के उपर जे तुसी पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लो, बिकॉज ये उपर की कर रही हूँ मैं, सब तो पहला तो जिहड़ियां थ्योरीज होंदियां ने समझाने की कोशिश करती हाँ, उस तो बाद उस टॉपिक लाइक मैमरी हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, उस टॉपिक के रिलेटिव मैं ये जिहड़े क्वेश्चनस ने एम सी क्यू होंगे वो लिख रही हूँ। तो इस तरह ने की होंगे तो पहला जो टॉपिक वो क्लीयर हो जाते हैं, उस तो बाद उस रिलेटिव जो एम सी क्यू जो बनते हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं, इस अकॉर्डिंग ही तो जरा लाइक टॉपिक वो क्लीयर हो जाता। ओके, तो हम आप स्टार्ट करते हैं वीडियो में। सब तो पहला जिमें इस वीडियो के दसिया गया, जे तुसी वो वीडियो देख के करोगे तो सानू इसका आंसर एक सैकेंड मिल जाना, बट नाल नाल आई विल ट्राई कि मैं तुहानू थोड़ा थोड़ा दस दे रहा, क्योंकि जो बच्चे ने वीडियो नहीं देखी तो इतों तुसी फिर भी समझ सको। ओके, तो हुण सब तो पहला जिहड़ा क्वेश्चन पूछे इन्होंने, कहिंदे स्मॉलेस्ट यूनिट, वट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, छोटी जिहड़ी इकाई है, छोटे जिहड़ा साइज है, कहिंदे कंप्यूटर मैमरी का कीड़ा, तो उन्होंने आपां की बोलते हैं, राइट, कि उसनू की कहा जाता है, जिहड़ी कंप्यूटर मैमरी की सब तो छोटी मैमरी हुंदी है, यूनिट हुंदी है, उसनू आपां की कहने हैं। हुण जिहड़े बच्चों ने तो वो मेरी क्लास लगाई हुई है, राइट, उन्होंने तो दसण की लोड़ ही नहीं, बाकी चलो फिर भी मैं तुहानू दस दिंदी हाँ। इहदी आंसर है जिहड़ा वो हैगा सी, हाउ कैन, जिहड़ी बिट हुंदी है ना, सब तो पहला मैं तुहानू दस दिंदी, तुसी ने के बी एम बी, तो सॉरी, ओके, तुसी ने के बी एम बी ये तो सुनिया होगा ना, जां टी बी, राइट, ये साइज होंगे मैमरी के, है ना, नाम होंगे, सॉरी। हुण एक अपने कोल आपां बाइट्स बोलते हैं, राइट, एक अपने कोल बिट्स होंगे ने, ये की चीज़ इन्हां दा की मीनिंग है, जिहड़े अपने कोल बिट होंगे है ना, बिट की होंगे, इजिकल टू जीरो और जां वन, ठीक है, इन्हां दोनों चों कोई एक होंगे। हुण जीरो वन किहदी फॉर्म है, बाइनरी लैंग्वेज, इहनू आपां बाइनरी बोलते हैं, ठीक है, जां उह जीरो होंगे जां वन होंगे, ये जो जीरो वन होंगे गा, यू आप बाइनरी लैंगुएज भी बोलते हैं, यही कंप्यूटर समझ आती है लैंगुएज, कंप्यूटर केड़ी लैंगुएज समझता, सिर्फ यही कंप्यूटर जी अपनी लैंगुएज है, यही वाली जिम्मे लिखी हुई है, ये कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं होंगी हैगी। ओके, ये थोड़ा जहा डीपली प्रोसैस है, ये भी सुन मैं समझाऊंगी। उस तो बाद गल आ जाती है, जेडी अपने को बिट होंगे फोर बिट न मिला के, ठीक है, अपने को एक निबल तैयार होंगी है, ठीक है, अपने कोल बिट हुंदी है, राइट, जिहड़ी कि जीरो वन दी फॉर्म च है, उस तो बाद फोर बिट नू मिला के अपने कोल एक निबल रेडी हो जाती है। ओके, उस तो बाद एट बिट नू मिला के अपने कोल एक बाइट रेडी हो जाती है, की हो जाती है, एक बाइट, उस तो बाद 1024 बिट नू मिला के अपने कोल 1 KB यूज़ हो जाता है, 1024 KB नू मिला के इजिकल टू अपने कोल 1 MB रेडी हो जाता है, फिर 1024 MB नू बना के अपने कोल TB हो जाता है। इस किवें होंगे, जिवें बिट होंगे, फिर निब, फिर बाइट, KB, MB, टैराबाइट, ये सारी इहदा प्रोसैस भी उस वीडियो दे विच तुहानू दस्सिया होया, इस करके प्लीज़ एक बार वो वीडियो नू जरूर देख लो, ठीक है। उस तो बाद तो हुण इहदा आंसर तुहानू पता लगे भी सब तो स्मॉलेस्ट पुछे इन्हां ने, तो सब तो छोटा जिहड़ी स्टार्टिंग हुंदी है कित्थों हुंदी, अपनी बिट तो, ठीक है, ये चीज़ का याद रखियो। क्वेश्चन तुहानू ये भी पूछा आ सकता गा भी बिट किहड़ी फॉर्म हुंदी, उहदे च किन्ने बिट्स हुंदे जां किन्ने, ये तो स्मॉलेस्ट आ गया, जां तुहानू बाइट्स का क्वेश्चन आ सकता भी इहदे विच किन्नियां बाइट्स, किन्ने बिट्स यूज़ कीते जांदे, तो इहदे विच 8 बिट यूज़ कीते जांदियां ने, किलो बाइट दे विच किन्नियां बाइट्स यूज़ कीतियां जांदियां ने, 1024, तो इहदे विच 3-4 क्वेश्चनस ने जिहड़े मैं तुहानू ऑलरेडी दस चुकी हां, वैसे अगे इहे क्वेश्चन आउणगे। ओके, तां इहदा राइट आंसर की बनता है, सी राजे। उस तो बाद नैक्सट आपां गल कर लैंदे हां, आ देखो, हाउ मैनी बिट्स, बाइट्स दे विच किन्नियां बिट हुंदियां ने, इन्हां ने की पुछिया, हुण बाइट्स दे विच किन्ने बिट, हुणी हुणी मैं तुहानू दस के हटी आंगी किन्नियां बिट्स हुंदियां, 8 बाइट्स नूं बिट नूं मिला के की बनता अपने कोल, 1 बाइट्स बनता, ठीक है, ये चीज़ का याद रखियो। तो हुण अपना राइट आंसर की हो गया 8।
उस बाद नैक्सट क्वेश्चन देख लें। ये पूछे केंद्र विच ऑफ द फॉलिंग लार्जेस्ट यूनिट कंप्यूटर मैमरी। हूँ ये जी आ चीज़ें मैं बाइट किलोबाइट मैगाबाइट टैराबाइट यदि तुम देखोगे ना मतलब वो मैं एक प्रॉपर लाइक दसिया होया भी इन्हों का किमें किमें नाम होंगे ने की चीज़ें होंगे तो सब तो व्डा कि छोटा कि चीज़ा दसिया ने। ठीक है हूँ ये जे तुम वो भीडियो देखी होगी तो सूँ खुद को पता लग जी बिट आँदी है पहला फिर अपना के बी आ जाता है फिर अपना मैगाबाइट का मतलब एम बी हूँ फिर अपना टैराबाइट मैं हूँ ही दस गए तो सब तो व्डा कि हो गया इन्होंने लार्जेस्ट पूछे तो राइट आंसर की हो गया अपना टैराबाइट। ओके ये चैक कर सकते हो। उस तो बाद नैक्सट अपने को क्वेश्चन की पूछे इन्होंने पूछा कहते हाउ मैनी बाइट्स देयर किलोबाइट। हूँ किलोबाइट के भी मैं सोनू क्वेश्चन पिछे दस के हटी हाँ स्टार्टिंग से ही दस हाँ किन्ने हो गए 1024 इसका राइट आंसर। ठीक है एक सॉरी एक के बी दे। ठीक है किनिया बाइट्स होंगे 1024 बाइट्स में मिला के अपने को एक कैबी के बी रेडी होंगे। ठीक है पर 1024 के बी मिला के ठीक है अपने को बन जूगा 1 MB। ठीक है इस तरह होंगे गा उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन की है अपना राइट आंसर मैं सुन दस ही चुकी हूँ भी। ओके नैक्सट क्वेश्चन के इन्होंने की पूछा वॉलाटाइल मैमरी ये भी उत्थे क्लीयर किया हुआ हूँ यह आ चीज़ों तो घट ही दो। ठीक है इन दोनों के आंसर रह गया इन दोनों का मैंने डिफरेंस दसिया वो क्लीयर दसिया होया भी कि रैम तो रोम तो रैम के कि वॉलेटाइज है कि नॉन वॉलेटाइज है तो जी अपनी रैम होंगी है उन्होंने आप वॉलेटाइज बोलते हैं। ठीक है तो जी अपनी रोम होंगी है वह अपनी नॉन वॉलेटाइज होंगी है ये ध्यान रखियो अगे सुन क्वेश्चन आ भी सकता है तो यदा राइट आंसर की हो गया रैम। ठीक है नैक्सट क्वेश्चन आ लो यही पे क्वेश्चन हूँ मैं हूँ ही सूँ की दस के हटी है नॉन वॉलेट नॉन वॉलेटाइज कि मैमरी होगी रोम। ठीक है उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन आ रजे जिमें हूँ आह कैशे मैमरी है सारा कुछ उस वीडियो दस एक बार जरूर देख लियो सूँ अद्धे क्वेश्चन के आंसर इतना ही मिल जाएंगे। ठीक है नैक्सट इन्होंने पूछे हूँ फास्टर केंद्र मैन सारे नाल फास्ट मैमरी कि होंगी है। ठीक है हूँ ये हार्ड डिस्क आ गई कैशे मैमरी आ गई ऑप्टिकल फ्लैश मैमरी। फ्लैश मैमरी मैं सूँ पहले क्लीयर कर देनी है फ्लैश मैमरी की होंगी है जिमें अपने टैब हो जाते हैं स्मार्टफोन हो जाते हैं इन्हों जी मैमरी यूज़ की जाती है कॉल्ड इज अ फ्लैश मैमरी ये चीज़ तुम याद रखियो। ठीक है हूँ इन्होंने क्या फास्ट मैमरी कि होंगी है फास्ट जी मैमरी होंगी है वह होंगी है कैशे मैमरी यद सब तो स्मॉलेस्ट यूनिट होंगी है ये अपने CPU के यूज़ की जाती है तो यदा जो फास्ट वर्किंग होंगी वह बहुत ही फास्ट होंगे गा ये चीज़ ध्यान रखियो। ठीक है उस तो बाद नैक्सट अपने को क्वेश्चन पूछा जाता गा कहिंदे विच ऑफ द फॉलोइंग यूज होल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर। ठीक है ये राइट आंसर की आ जाऊगा रैम। ठीक है नैक्सट क्वेश्चन सॉरी रोम आंसर है राइट। ओके नैक्सट क्वेश्चन विच ऑफ द रैंडम एसेस मैमरी। हम सब तो पहला तो जेड़े बच्चों टाइप ऑफ रैंडम एसेस मैमरी हूँ यह भी मैं वो क्लीयर किया हो अपने को रैम होंगी है एक अपने को रोम होंगी है रैम द इंटरनल आ जाता है DRAM और एक SRAM। हूँ जो पिछे AM रैंडम एसेस मैमरी तो इतना तुम समझ ही गए होंगे इन्होंने रैम पूछे। ठीक है रैंडम एसेस मैमरी वो फुल फॉर्म है RAM तो यह कि राइट आंसर हो जूगा इतने दो ऑप्शन दिते हुए ने एक एस दिता हुआ एक डी तो राइट आंसर हैगा दिस वन। ओके आ तो दोनों हो ही नहीं सकते आ तो रोम की आ गई आ फ्लैश मैमरी अपना स्मार्टफोन तो ही होंगी टैप की मैं सुनो हूँ ही दस के हटी है। ठीक है उस तो बाद एक चीज़ होर जी ए वाली है ये अकॉर्डिंग ज़्यादा फास्ट हैगी। ठीक है अगे क्वेश्चन आऊगा मैं सुन दिखा दूँगी। ओके हूँ इतने की गल हो रही है रीड ओनली मैमरी। रीड ओनली मैमरी का मतलब की है रीड ओनली मैमरी मतलब रोम की गल हो रही है हूँ ये आ दोनों चीज़ें तो कट ही दो क्वेश्चन तो थोड़े क्लीयर हो गए भी आ दोनों तो है ही नहीं बिल्कुल तो राइट आंसर की हो गया ऑप्शन नंबर ए की पूछे टाइप ऑफ वैसे तो यह दोनों रोम दिया टाइप्स ने बट पहला ए वाली है सैकेंड ए हैगी। ठीक है तो करके उस तरह जिम्मे डी तो एस वाला सगा पिछे डी रैम से एस रैम से उस डी पहला होंगे एस बाद चो। ठीक है राजे ये चीज़ का ध्यान रखिए उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन की आ जाता अपना कहिंदे लोंग टर्म स्टोरेज ऑफ डेटा।
ਕਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੈਮਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੈਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਰੋਮ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲੀ, ਵੈਸੇ ਆਹ ਮੈਮਰੀ ਦੋਨੇ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਆ ਗਈ। ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਵਿੱਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮੈਮਰੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਯੂਜ਼ ਸੋਲਡ ਸਟੇਟ ਡਿਵਾਈਸ ਐਸ ਐਸ ਡੀ ਐਸ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਐਸ ਰੈਮ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੇ, ਐਸ ਰੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਨ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਓਕੇ, ਟਾਈਪ ਆਫ ਮੈਮਰੀ, ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਸੋਰੀ, ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਗਾ ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ, ਬਟ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ 1, 2, 3। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ 1, 2, 3, L1, L2, L3 ਹੈਗਾ, ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਤਿੰਨ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ 4 ਜਾਂ 5 ਹੈ, ਤਾਂ ਰੋਂਗ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟਾਈਪ ਵਰਚੁਅਲ ਮੈਮਰੀ, ਇਹ 'ਚ ਵਰਚੁਅਲ ਮੈਮਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ, ਰੈਮ, ਰੋਮ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਜਿਹੜੀ, ਵੇਟ, ਹਾਂਜੀ, 15 ਕੁਐਸਚਨ, 14, ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮੈਮਰੀ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਰੇਜ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮਸ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮਸ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਡਾਟਾ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਉਹ ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ? ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮੈਮਰੀ, ਕਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੈਸ ਮੋਰ ਕੁਇਕਲੀ ਦੈਨ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ। ਸੇਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਕੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਜੂਗਾ, ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਇਕਲੀ ਡਾਟਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਟਾਈਪ ਆਫ ਮੈਮਰੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਐਂਡ ਟੈਬਲੇਟ। ਕਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੈਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਗਈ, ਆਹ ਆਪਣੀ ਰੋਮ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ? ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਨ ਵੋਲਟਾਈਲ ਮੈਮਰੀ ਰਿਮੇਨ ਡੇਟਾ ਵੈਨ ਪਾਵਰ ਆਫ ਰਿਟਰਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਨ ਆਫ, ਸੋਰੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਨ ਵੋਲਟਾਈਲ ਮੈਮਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨੋਨ ਵੋਲਟਾਈਲ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਰੈਮ ਅਤੇ ਰੋਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਜੂਗਾ? ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਥਿਊਰੀ ਵਾਲੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਵੋਲਟਾਈਜ਼ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨੋਨ ਵੋਲਟਾਈਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਦੋਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦਿਸ ਵਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੰਟੇਨ ਡੇਟਾ ਈਵਨ ਵੈਨ ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਬੰਦ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦਿਸ ਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮੈਮਰੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੈਸ ਬਾਈ ਦਾ CPU। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਰੋਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੋਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੈਸ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਪਊ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੈਸ ਕਰਦਾ,
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰੈਮ ਰੋਮ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੈਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਫਾਸਟਰ ਦੈਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈਗੀ? ਹਾਈ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਤਾਂ SM ਆਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਹ ਦੋਨੇ ਰੋਮ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਰਹੀ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ ਰਾਜੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਲਟਾਈਜ਼ ਮੈਮਰੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੈਟ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਡੇਟਾ ਇਨ CPU ਇਜ਼ ਵਰਕਡ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੋਨ ਵੋਲਟਾਈਜ਼, ਸੋਰੀ ਵੋਲਟਾਈਜ਼ ਮੈਮਰੀ ਕਿਹੜੀ? ਆਪਣੀ ਰੈਮ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ? ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਵਿੱਚ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮੈਮਰੀ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ, ਸੋਰੀ ਗਾਈਸ ਵਨ ਸੈਕਿੰਡ, ਓਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮੈਮਰੀ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸਟੋਰ BIS ਸੈਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ BIOS ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ROM ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ROM, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿੱਚ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮੈਮਰੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸਟੋਰੇਜ ਡਾਟਾ ਨੋਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਮੈਨਰਸ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੇਟਾ ਨੋਨ ਸੀਕੁਐਂਸ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ, ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਿੱਚ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਆਰ ਅਜੇ ਸੇਮ ਹੀ ਲੈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸਟੋਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਅਸੈਸ ਡੇਟਾ ਐਂਡ ਰਿਡਿਊਸ ਅਸੈਸ ਟਾਈਮਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਜੇ? ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸਟੋਰੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਫਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਸਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਟਾਈਮਿੰਗ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜੀ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮੈਮਰੀ ਆ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਆ ਯੂਜ ਟੂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਡੇਟਾ। ਹੁਣ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੂ ਲਾਰਜ ਫਿੱਟ ਇਨ ਅ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੋਰੇਜ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ, ਤਾਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਚੁਅਲ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ ਰਾਜੇ? ਐਸ ਵਰਚੁਅਲ ਮੈਮਰੀ, ਹਾਊ ਕੈਨ, ਓਕੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਟੂ ਲਾਰਜ ਟੂ ਫਿਟ ਇਨ ਟੂ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ, ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਵਰਚੁਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੈਮਰੀ, ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਵਰਚੁਅਲ ਮੈਮਰੀ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਿੱਚ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮੈਮਰੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ ਟੂ ਸਟੋਰ ਦਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਅਦਰ ਸੋਫਟਵੇਅਰਸ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ROM। ਠੀਕ ਹੈ, ROM ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿੱਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮੈਮਰੀ is used to store data short period ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਊਂਗੀ, ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਬਫਰਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਮੈਂ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਪੁੱਟ, ਰਾਈਟ, ਬਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 0 ਅਤੇ 1 ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਫਰਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਟਾਈਮ ਲਈ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈਨਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਟਾ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ? ਬਫਰਸ ਕੋਲ। ਬਫਰਸ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ੋਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਟੋਰ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਬਫਰਸ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ
Which of the following is a type of memory that is used to digital camera and other portal device storage the image? Okay, तो हुण इहदा राइट आंसर की हो सकता इहदे विच जिहड़े अपने डिजिटल कैमरे हुंदे ने तां उह उहदे विच जिहड़ा डाटा हुंदा है ठीक है वह कीड़ी मैमरी यूज़ करती है। हुण इहदे विच अपने कोल आ जांदा फ्लैश मैमरी। इस एक चीज़ का बस ध्यान रखियो कंप्यूटरां दे विच यूज़ हुंदी ने जां अपने हो जांदे ने वट इज़ दिस यार लैपटॉप ओके लैपटॉप वगैरह के मैमरीज वगैरह बाकी जी फ्लैश मैमरी है बाकी जी चीज़ा होंदिया ने नॉर्मल छोटी जिन्हों के डेटा कैप्चर होंदा गा वो आप फ्लैश मैमरी यूज़ करते हैं ठीक है बच्चे। हूँ फ्लैश मैमरीज हूँ चंगी तरह याद हो गई होगी। चलो यद आंसर तो वैसे तुम देख लिया पर क्वेश्चन आप पढ़ लें कि क्वेश्चन देता इन्होंने कहते टाइप ऑफ मैमरी यूज टू स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड अदर डेटा वाइल प्रोग्राम इज रनिंग। डेफिनेटली रैम जो भी कोई प्रोग्राम आप कुछ भी डेटा टाइप वगैरह करते हैं सब तो पहला वो रैम ही अपने को रखता है ठीक है। इस करके इनू प्राइमरी मैमरी बोलिया जाता बिकॉज रैम के डाटा जोड़ा होंगे गा वो टैंपरेरी स्टोरेज ही होंगे जो आप कंप्यूटर टर्न ऑफ कर देने तो यह डाटा की कर देता डिलीट कर देता। उस तो बाद इन्होंने क्या कहें स्टोरेज का बूस्टर अपलोडर एंड लो लैवल सिस्टम प्रोग्राम ये राइट आंसर की आजगा ऑप्शन नंबर रोम ठीक है। तो रोम यदा राइट आंसर होगा। नैक्सट क्वेश्चन सी ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन के इन्होंने पूछा गा कहिंदे विच ऑफ द फॉलिंग मैमरी तो सेम ही चीज़ आ गया यूज टू फ्रिकुएंसी असैस डाटा। आई थिंक ये पहला भी परफॉर्मेंस इंप्रूव ओवरलोड ना ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मस तो ये कैश मैमरी का राइट आंसर हैगा ठीक है। कैश मैमरी का राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन आप देख लें ये इन्होंने पूछा विच ऑफ द टाइप ऑफ दैट इज यूज टू स्टोर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा प्रोग्रामिंग नीड टू रन द रोम सॉरी रैम ये राइट आंसर है ठीक है। कहिंदे इहदे विच इन्होंने क्या स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस डेटा दैट आ प्रोग्राम नीड टू रन ओके। नैक्सट क्वेश्चन ओके इहदे विच इन्हां दा राइट आंसर की है इहदे विच इन्होंने पूछा कहिंदे मैमरी टाइप किहड़ी टाइप है मैमरी दी यूज करती है डेटा स्टोर ईवन वैन पावर ऑफ रिटर्न ओके। ये आप पहला भी क्वेश्चन पढ़ के हटे हैं यदा राइट आंसर आजगा दिस वन ये पहला भी आप पढ़िया हुआ। नैक्सट विच ऑफ द टाइप ऑफ मैमरी ठीक है फ्रेमवेयर सॉफ्टवेयर रिसेसरी कंप्यूटर स्टार्टअप जो तो स्टार्टअप होंगे ना रोम आई थिंक यदा आंसर है यस रोम ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन कहते विच ऑफ द फॉलिंग टाइप ऑफ इज ए टाइप ऑफ मैमरी वट इज दिस ओके विच ऑफ द फॉलिंग टाइप ऑफ मैमरी दैट यूज टू स्टोर डेटा दैट इट कैन बी रीड एंड राइट क्विकली एंड ओके। तो यद राइट आंसर की आ जाता राजी ऑप्शन नंबर सी सॉरी बी कैश मैमरी इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन विच ऑफ द टाइप मैमरी केड़ी मैमरी है जी अपन कॉपी पेस्ट करने के लिए असैस डेटा फ्रॉम मेन मैमरी इंप्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस तो ये राइट आंसर आ जाता गा कैश मैमरी। हाँ जी नैक्सट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ मैमरी दैट यूज टू स्टोर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा नीड टू स्टार अप कंप्यूटर ये आप पहला भी पढ़ के हटे हैं रोम। नैक्सट क्वेश्चन कहते टाइप ऑफ मैमरी यूज टू स्टोर प्रोग्राम एंड डेटा क्विक असैस सीपीयू क्विकली असैस कि करता कैश मैमरी है ना आप पहली ये चीज़ क्लीयर रखियो यदा फास्ट बहुत कम होता है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मैमरी दैट यूज टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम दैट आर नॉट करंटली यूज राइट आंसर हो गया वर्चुअल मैमरी ओके। नैक्सट क्वेश्चन वर्चुअल मैमरी के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें एक छोटा जहा टॉपिक करवा दूंगी ठीक है ये तुम्हें क्लीयर हो जाएगा फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग मैमरी इज यूज टू स्टोर डेटा नीड एंड सॉरी रिटेन्स वैन इज पावर ऑफ टर्न ऑफ तो यदा राइट आंसर की आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नैक्सट क्वेश्चन वट इज़ द कंप्यूटर मैमरी की है डेटा स्टोर करती है ना ये प्रोसैस लिखे नहीं करती ये इनपुट लिखे आउटपुट नहीं लिखे तो राइट आंसर की है ऑप्शन नंबर ए।
डिवाइस स्टोरेज डेटा जिहड़ा अपना कंप्यूटर है जी किहदे विच डेटा स्टोर करता है रैम दे विच ठीक है वॉलेटाइज सॉरी उपरला पढ़ लिया टाइप ऑफ वॉलेटाइज मैमरी ये मैं तुम्हें उपर ही दस के हटी है ना वॉलेटाइज मैमरी कि अपनी रैम ओके नैक्सट क्वेश्चन रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मैमरी राइट आंसर आज यदा ठीक है नैक्सट विच ऑफ द टाइप ऑफ नॉन वॉलेटाइज आ गई अपनी रोम ठीक है रोम होंगी अपनी नॉन वॉलेटाइज यदि फुल फॉर्म तो टाइप ऑफ यदी टाइप्स कि वैसे दो टाइप्स आ गई इज नॉट टाइप ऑफ आ तीन ही टाइप्स आ गई पिछे रोम लिखा हुआ तो नॉट टाइप कि आ गई रैम ये टाइप नहीं इन्होंने पूछे भी कि टाइप नहीं हैगी रोम की हूँ ध्यान न देखो ये पिछे भी रोम पाए ये भी रोम पाए ये भी तो यही अपनी रैम डेफिनेटली रैम यदि टाइप ऑपोजिट है ये रोम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस रीड ओनली मैमरी सॉरी रीड ओनली मैमरी ओके ऑप्शन नंबर बी नैक्सट क्वेश्चन वट इज अ कैश मैमरी हाई स्पीड मैमरी यूज टू इंप्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस ओके ए ऑप्शन इज द राइट आंसर नैक्सट क्वेश्चन वर्चुअल मैमरी की होंगी है ठीक है चलो ये राइट आंसर की है ये टेक्निकली यूज इनक्रीज द इफेक्ट अमाउंट ऑफ रैम ठीक है राइट आंसर ऑप्शन नंबर नॉट टाइप ऑफ वर्चुअल बफर्स आ गए बफर्स बफर वह नहीं है वर्चुअल मैमरी नहीं हैगी ये चीज़ का ध्यान रखियो नैक्सट क्वेश्चन पेज फॉल्ट की होंगे नैक्सट क्वेश्चन ने पूछा भी पेज फॉल्ट की होंगे ठीक है पेज फॉल्ट ये राइट आंसर आ जूगा ऑप्शन नंबर बी पेज फॉल्ट नॉट फाउंड फिजिकली मैमरी फाउंड नहीं कर सकता स्वैप फाइल की होंगी है स्वैप फाइल ओके ये राइट आंसर हैगा ए फाइल यूज ए फाइल कहते वर्चुअल मैमरी स्टोर करती है वर्चुअल डाटा ठीक है वर्चुअल मैमरी डाटा स्टोर करती है टाइप ऑफ नॉट टाइप ऑफ कैश मैमरी हाँ ये क्वेश्चन शायद मैं तुम्हें पहला दसिया हूँ ये टाइप मैं तुम्हें दसिया कि टाइप होंगे 1, 2, 3 तो फोर्थ कि है नॉट टाइप ऑफ मैमरी कि कैश मैमरी की ठीक है नैक्सट क्वेश्चन कहते कैश हिट रेट तो यह राइट आंसर क्या होजू यद राइट आंसर हैगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है मिस पेनल्टी कैश की मिस पेनल्टी राइट आंसर हैगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नैक्सट क्वेश्चन मैमरी कंट्रोलर के टू मैनेज द फॉलो डेटा बिटवीन CPU एंड मैमरी कहते फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन सी हम मैमरी कंट्रोलर उ होगा ना जी CPU दे मैमरी दे जो फ्लो हों डेटा उन्होंने कंट्रोल करता है ठीक है उन्होंने कंट्रोल मिलता सॉरी कहने आप राइट आंसर की आ जाऊगा ऑप्शन नंबर ए ओके नैक्सट क्वेश्चन वट इज़ द मैमरी मोड्यूल की होंगे राइट आंसर हैगा ऑप्शन नंबर ए सर्किट ओके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्मॉलिक सर्किट होंगे गा बोर्ड दैट कंटेन मैमरी चिप ओके नैक्सट क्लॉक स्पीड मैमरी तो यह राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द स्पीड एट विच मैमरी चिप और रिफ्रेशर नैक्सट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस ठीक है ए आपको पहला किया अपना फास्टर होंगे गा ऑप्शन नंबर ए आ चुका राइट आंसर सॉरी बी जी ए वाली मतलब DDR SDR AM है वो फास्ट होंगे कि अकॉर्डिंग एकॉर्डिंग ठीक है वट इज़ द मैमरी बस की होंगी है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर पाथवे फॉर डेटा ट्रैवल बिटवीन CPU एंड मैमरी जिहड़ा CPU ते मैमरी दे विच डेटा ट्रैवल करता है ठीक है उन्हों आप की बोलते हैं मैमरी बस बोलते हैं ध्यान रखियो जी इहदा ठीक है राजे उस तो बाद नैक्सट इन्हें पूछा मैमरी मोड्यूल राइट आंसर हैगा ए कहिंदे स्मॉल यूनिट मैमरी जिहड़ियां होंदियां ने कहिंदे एडेड टू कंप्यूटर सिस्टम है ना उन्हों आप की बोलते हैं मैमरी मोड्यूल्स ठीक है
मैमरी बैंक की होंदा है, कहिंदे अ ग्रुप ऑफ मैमरी मॉड्यूल्स नूं मैमरी बैंक बोलिया जाता गा। ठीक है, की है जिहड़ा अपना ग्रुप होंदा ना मैमरी दा, है ना, उस नूं आपां मैमरी बैंक, मैमरी मॉड्यूल्स दा जिहड़ा ग्रुप होंदा उहनूं आपां की बोलदे आ राजे, मैमरी बैंक। ओके, नैक्सट आंसर ड्यू चैनल मैमरी, तो इहदा राइट आंसर की हो गया, ऑप्शन नंबर सी, अ कन्फिगरेशन वैन मैमरी एक्सेस टू चैनल्स सिमुलेशन। हुण इहदा राइट आंसर की हो गया, कहिंदे ड्यूअल चैनल मैमरी किहड़ा हुंदा जदों कहिंदे टू चैनल नूं सिमिलर मतलब इको टाइम ते एक्सेस करदी आ, कॉल्ड इज अ ड्यू चैनली चैनल सॉरी मैमर। ओके, नैक्सट क्वेश्चन, मैक्सीमम अमाउंट ऑफ रैम 32-bit सिस्टम कैन एड्रैस, ये उन्हें की पूछा, 32-bit जिहड़ा सिस्टम हुंदा कैन एड्रैस, उहदे विच किन्नी मैक्सीमम अमाउंट हुंदी है। राइट आंसर आ गया 4GB। ओके राजी, नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल आ जांदा हैगा, कहिंदे मैक्सीमम अमाउंट रैम 64-bit की गल हो रही है, तो उहदा राइट आंसर आ जूगा दिस वन। ओके, नैक्सट क्वेश्चन, ओके वट इज़ ECC मैमरी, ECC मैमरी की होंगी है, तो यदा राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, यू ए की करता यूजर चैकिंग एरे करता जो एंड करैक्ट करता डिलीट करता जो फिक्स एरे, कॉल्ड इज़ ECC मैमरी, उन्होंने आप कहने गे ECC मैमरी। ठीक है राजे, ECC मैमरी की होंगी है, ध्यान रखियो की करता यूजर, दैट यूजर चैकिंग एरे करैक्टिंग मतलब सही करना डिलीट करना फिक्स करना एरे, कॉल्ड इज़ आ ECC मैमरी। ओके, नैक्सट नॉन ECC मैमरी, हुण इत्थे आपां ने की कीता भी एरर चैक करनी करैक्ट करना डिलीट करना ते फिक्स एरे करना, बट इत्थे इन्होंने भी नॉट, इत्थे नॉट की गल कर ली, तो राइट आंसर की हो गया दिस वन, इत्थे नॉन पूछे ना तो इत्थे ने नॉट लगा दो, नॉट करके हाथ सारे गलत हो गए, तो दैट मीनस राइट आंसर की हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उस तो बाद इन्होंने पूछा कहते डिफरेंट की है दोनों च, आपको पता है जोड़ा अपना DS भी वह ये फास्ट है, तो राइट आंसर की हो गया, फास्ट की गल हुई सी पिछे आप चैक किया, तो यद राइट आंसर इन्होंने पूछा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कहते ट्रांसफर डाटा टू इस टाइम क्विक सर्कल्स दैन ट्रांसफर डेटा ऑनस, अच्छा ये उन्होंने डिफरेंस दसिया, जोड़ा तो DRSS रैम आगा। ठीक है, इतना की है दो बार डेटा ट्रांसफर करता क्लॉक टाइम सेंगल दे विच, एक ही करता जस्ट वन टाइम करता, ये चीज़ का भी ध्यान रखियो। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन इन्होंने पूछा गा, कहिंदे डिफरेंट की है, डिफरेंस दसे ने DR3 दे विच ते DDR4 मैमरी दे विच की हैगा, कहिंदे ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, हैज़ हाई बैंडविड्थ दैन अकॉर्डिंग टू दिस, जिहड़ा 4 था वो हाई बैंडविड्थ हैगी कि लाइक DDR3 नालों। ओके, मैमरी लीक की है, मैमरी लीक कहते ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए बग इन अ प्रोग्राम दैट केज इट यूज टू मच मैमरी, कहते जो बग कोई प्रोग्राम बग होंगे दैन वो ज़्यादातर मैमरी यूज करता दैन मैमरी लीक आंसर आ जाता है। ठीक है राजे, उस तो बाद परमिशन मैमरी मैनेजमेंट। ओके, तो यदा राइट आंसर क्या आता ऑप्शन नंबर ए। हुण इहदे विच की है, ए सिमुलेशनस वेयर फ्री मैमरी इज डिवाइडेड टू इन स्मॉल चंक्स दैट आर टू स्मॉल्स यूज टू स्मॉल पार्ट्स यूज करके उन्होंने यूज करते हैं। ओके, नैक्सट अपने कोल, ओके तो यह लास्ट क्वेश्चन 17। ओके, तरह जी कुछ 17 क्वेश्चन से जोड़े मैं थोड़े न शेयर किए हैं, आई होप थोड़ू यह अच्छे लगे हो गए, तो वीडियो में प्लीज़ लाइक जरूर कर दिए, अगे शेयर भी करो। ठीक है, तो